बात आज के माचा के साथ। मेरे ख्याल से पाउडर मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, सेकंड में थोड़ी गाढ़ा सा टेस्ट आ रहा है इसका, फिशी टाइप का। बट इसको इतना अच्छा ड्रिंक माना जाता है कि आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, HIV इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखती है, एंड साथ ही साथ स्किन के लिए भी अच्छा है। वो एक जैसे कि अगर आप थोड़ा सा मतलब ये माचा पानी या माचा डाल के और या फिर ग्रीन टी हो, ग्रीन टी बैग्स हो, उसको आप अप्लाई करोगे अपने फेस स्किन पे, देन आपके जो डार्क सर्कल्स है ना वो भी बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, ये फैट भी काटता है बाय द वे। अगर आप फैट रिड्यूस करने के लिए मेहनत कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ग्रीन टी को अपने डाइट के अंदर लाओ, या तो ग्रीन टी हो गया, और ग्रीन टी के अलावा एक और चीज़ है वो है साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आता है, उसको गर्म पानी के अंदर एक चम्मच डाल के, एंड देन उसके बाद नींबू हल्का सा डाल के, अगर आप पे स्टीविया है तो स्टीविया भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो चीनी भी हल्का सा डाल सकते हो, तो एक तरह से लेमनेड हो गया। तो ये है कि आप लेमनेड पी रहे हो साथ ही साथ फैट भी लूज़ कर रहे हो, कितनी बढ़िया चीज़ है। एम्प्टी स्टमक वो चीज़ बहुत अच्छा वर्क करती है, सुबह सुबह उठते ही आपको अगर आप उसको लोगे तो आपको उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब फटाफट से नहा धोके ब्रेकफास्ट करेंगे, और जो फिटनेस को लेके बहुत सीरियस होता है ना, मतलब जो लोग जिमिंग करते हैं सीरियसली, कभी भी देखना वो ब्रेकफास्ट में कभी देरी नहीं करते, क्योंकि आप ऑलरेडी 7-8 घंटा सो रहे क्यों मतलब 7-8 घंटे की फास्टिंग से होकर निकले हो, जब आप उठते हो ना तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपको इमीडिएटली प्रोटीन कंजम्पशन करनी पड़ती है। नहा धो के फ्रेश होके फटाफट से खाना खा लोगे तो बहुत अच्छा है। ओट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी को, तो बहुत जल्दी लगता है। देन ओट्स के अंदर ओट्स को गर्म पानी में भिगो के प्रोटीन डाल के एक स्कूप चॉकलेट फ्लेवर का बस, और ऊपर से थोड़ा ब्लूबेरीज अगर आप और उसको रिच करना चाहते हो, तो कैलरीज बढ़ाना चाहते हो, तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा टेस्ट आएगा, बहुत ही अजीब टेस्ट है, मज़ा नहीं कर रहा। ये मैंने शायद ज़्यादा डाल दिया इसलिए हो रहा ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा डालना है। मैंने थोड़े से पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाल दिया तो बहुत गाढ़ा बन गया, एकदम सूप टाइप लग रहा है। ख़त्म। ओके सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट। तुम्हारा पता क्या है, खरागे जापनीज बहुत लोग खाते हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली इट्स फ्राइड चिकन ब्रेस्ट टुगेदर विद दैट राइस। ये बहुत ही गजब चीज़ है, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं करते। मस्टर्ड और ये सोया सॉस है तो बहुत बेनिफिशियल और हेल्दी चीज़ है, बट इसको लोग नापसंद इसलिए करते हैं, मैं बताता हूँ। ये रीज़न है इसका कि लोग इसे पसंद क्यों नहीं करते। इट्स रियली मेसी। इसके अंदर ही सोया सॉस डालते हैं, 100 बार फेटना होता है, इसको ज़्यादा फेटेगा इतना इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा, लेकिन बहुत हेल्दी चीज़ है, हाई प्रोटीन है, तो इसको अच्छी बात यह है कि इसको आप फैट लूज के टाइम भी ले सकते हो और बल्किंग के टाइम भी ले सकते हो। ये घोल दिया इसको 100 बार, तो ये अब कुछ ऐसा दिखता है। क्या बनाया सर? क्या ये छोले? मैं जा रहा हूँ। आप तो कहाँ जा रहे हैं? जब तक आप खा रहे हो। यकीन नहीं मानोगे भैया, तरस गए थे मैं धूप के लिए। ये है हमारा भविष्य धुंधला। तो मैंने जो वो रिसेंटली व्लॉग डाला था 1 लाख येन वाला, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 1 लाख की, मैंने 2 दिन बाद कॉल आया मेरे दोस्त का, कह रहा भाई कब आ रहे हैं पैसे? भाई हम तो यहाँ नौकरी वगैरह छोड़ छाड़ के बैठे हैं कि 1 लाख मिलेगी। बस भाई अब ये धूप जानलेवा हो रही है। I'm so glad I finally found this software. इसके अंदर यह कि मेरे फ़ोन की वीडियो भी चल जाती है बड़े आराम से, चलने तक तो ठीक है, अटकती तक नहीं है। सी टाइम क्या हो रहा है, 4:30 हो गए, सेकेंड मील का टाइम। थोड़ा नूडल टाइप बना रखा है, बेसिकली ये सोयाबीन है, मीठी सोयाबीन, बहुत मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डाला, 4 पीसेस डाले, देन नूडल सम सूप। अपना ब्रह्मास्त्र आपको दे रहे हैं आप। तेरा ब्रह्मास्त्र। हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। तो करो। और देखो अपने तरफ तो करो कैमरा। अच्छा
ऐसे बोलना पड़ता है। बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? अब हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हालात सुधरेंगे पता नहीं। ऑन कर रखा है क्या तूने? वो कैमरा भी घूर रहा है, कैमरा उनको घूर रहा है। ओ देखो मटर ये वो लगा रखे हैं, ये मटर, ये प्याज, ये मटर की खेती। ये औरतों के खेत नहीं है, ये इसकी खेती मर्द करते हैं। ये आगे औरतों के खेत। ये औरतों पहले काट लिया, आदमी पीछे चल रहे हैं। ओ रुको रुको, थोड़ा आवाज आने दो पहले। ऐसे खड़े हुए ऐसे नेशनल एंथम चल रहा है। अभी रात का जो है सीन वो संभाल लेने के लिए आ रखा हूँ। पापा थोड़ी हेल्प कर रहे हैं इस जगह पे, बनाऊंगा खुद। पापा बता रहे हैं कि ये डाल दे, क्योंकि अभी मैंने दिन का जो सेकंड मिलता है वो खाया, वो मैंने ऐसा बनाया उसको ज़बरदस्त कि मेरे को एक घंटे बाद उल्टी आने को हो रही थी। दिस इज माय लास्ट मील ऑफ द डे। इस साइड एक क्योज़ा नूडल, इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन डाला है एंड पनीर डाला, और साथ ही साथ ये एमरजेंसी केस है, अगर ये भी सेकेंड मील की तरह वैसा निकलता है तो ये मुझे बचाएगा, तो इसको हम रख देते हैं। बाय द वे वो लीची का जूस है। लेट्स डू इट। का है देखो अब बनाया, तूने खाने नहीं, मैं खा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है दूसरा दिन, तो मैं बाहर निकला हूँ अभी सामान लाने के लिए कि आगे क्या खाऊंगा मैं। आज मॉर्निंग में मेरे को कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा अभी, तो मॉर्निंग में मुझे कुछ ऐसा खाने को मन है जो रेडीमेड नूडल टाइप मिल जाए। घर पे घर वाले रसगुल्ला बोल के लालच दे रहे हैं, पहली बार मुझे अपनी पैदाइश पर डाउट हो रहा है सुनने के बाद। मतलब कल छोले दिखा के चढ़ा रहे थे, आज रसगुल्ले दिखा के चढ़ा रहे। बाहर से थोड़े उठाया था मुझे बचपन में। हे गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा छोटा सा ब्लॉग। एंड होता ही है ना, हम इंडियन के साथ जब हम बाहर जाते हैं तो जब तक हमारे पेट में इंडियन खाना हो, मसाले हिट नहीं करते ना, तब तक पेट नहीं भरता हमारा। मेरे साथ भी है, 5 साल हो चुके हैं, बट मैक्सिमम मैंने जब खाना खाया कंटिन्यूसली 2 मील लिए होंगे जापानीज़ के, उससे ज़्यादा मैं ले नहीं पाता। तो मैंने ठान ली थी, मैंने कहा ठीक है चलो एक बार 48 घंटे 2 दिन ट्राई करके देखते हैं। पहले दिन के बाद मेरे को थोड़ा डिजी सा फील होने लगा, बट समहाउ आई डिड इट एंड 2 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड डे वाज क्वाइट इजी बिकॉज तो डिजीनेस के चलते मैंने थोड़ा सा बाहर का रेडीमेड खाना, मतलब जापनीज रेडीमेड लेके आया घर पे, तो स्वाद वाद सब था। एनीवे थिंग्स आर ऑल डन नाउ एंड मिलते हैं आपको मेरी नई वीडियो में। बाय बाय।